YouTube channel Shreya side. I hope you all are doing very well, guys. So, जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक से देख ही लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है, ये एक बहुत ही सिंपल बेसिक स्टेप वाला समर अप्रोप्रिएट फेशियल है जो हम घर पे कर सकते हैं. आपको इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम की जरूरत नहीं है, कोई बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है. एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, इस फेशियल के जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं वो सब एक ही ब्रांड के हैं और वो ब्रांड है गुड वाइब्स. गुड वाइब्स के मैं बहुत से प्रोडक्ट्स ले चुकी हूँ, उन पर मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ, अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ. ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे purple.com साइट पे. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, वैसे भी इतने कम सब्सक्राइबर, स्पॉन्सरशिप इज hardly a thing to think even about. So, काफी लोग बाद में रिव्यू मतलब कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है या PR packages के प्रोडक्ट्स है. ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है. मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मैं जो भी प्रोडक्ट्स लिए वो मेरी स्किन के अप्रोप्रिएट है. समर स्पेशल है क्योंकि आपको समर में देखिए फेशियल तो बहुत जरूरी है. और एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत लोगों का मिसकंसेप्ट होता है कि फेशियल जो है एक 25-30 की एज के बाद ही रिक्वायर्ड होता है. नहीं है, सब बिल्कुल नहीं है. हाँ, फेशियल में कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, हार्मफुल भी नहीं कह सकते एक्चुअली, कुछ टॉक्सिन और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े बहुत मतलब एक तरीके से थोड़े परेशानी दे सकते हैं यंग एज को या टीन एज वाले बच्चों को. तो ऐसा क्योंकि वो बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो ब्लीच होता है. अगर आप ब्लीच वगैरह ऐसी चीजें अपने चेहरे पे यूज करते हैं तो वो टीन एजर्स के लिए खतरनाक होते हैं, उनकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते. बट इसमें ये बहुत ही सिंपल एक चार स्टेप का फेशियल है. इसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं है जो कि ब्लीचिंग एजेंट्स या ऐसा कुछ है. बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सिंपल बेसिक है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, इजिली अवेलेबल हैं और ये टीन एज के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. अगर कोई टीन एजर लड़का लड़की कोई भी इसको देख रहा है या कोई ज्यादा एज के लोग इसको देख रहे हैं तो ये सभी के लिए है. वीडियो को छोड़ के मत जाइए, बीच में अंत तक देखिए. आई होप आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपने कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं, आपको क्या पसंद है और वीडियो में आपको क्या पसंद आया. तो चलिए शुरू करते हैं. जो हमारा पहला और बेसिक फॉर्मोस्ट स्टेप है इस फेशियल का वो है क्लींजिंग. चेहरे को बिना साफ किए तो हम कुछ भी नहीं लगा सकते. तो यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ये है गुड वाइब्स का लेमन एंड बेसिल, यानी लाइम एंड बेसिल क्लींजिंग फेस वॉश. प्रोडक्ट्स के MRP वगैरह ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी गुड वाइब्स की वीडियो में. तो आपने अगर नहीं देखी तो जाइए और चेक कीजिए मेरे चैनल पर. गुड वाइब्स की बहुत सी वीडियोज अवेलेबल होंगी, उनमें आपको इन सब के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा. सो ये है हमारे फेस वॉश. मैं यहाँ पे इसके लेने वाली हूँ जस्ट सिंगल पंप की बहुत सेटल अमाउंट में है तो ऐसे ही चेहरा छोटा है. गाइज एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में लेने हैं वो प्रोडक्ट सारे हैं ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन जो है ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन है. तो मैंने अपने ही स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं क्लींजिंग. हमारा जो पहला स्टेप है और मैं अभी वापस मिलती हूँ आपको अपना चेहरा क्लींज करने के बाद. I've cleansed my face from this face wash that is lime and basil. एक चीज जो मेंशन करना चाहती हूँ, अगर कोई टीनेजर्स वीडियो को देख रहा है तो पहली बात गर्मियां चल रही है, अगर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है मेरे तो ब्रेकआउट होना एक बहुत आम सी बात है. पिंपल्स आना एक बहुत नेचुरल कंसेप्ट है. टीनेजर में हॉर्मोन्स के बहुत से ट्रिगर चेंजेस होते हैं, तो हॉर्मोन चेंजेस की वजह से भी और पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, धूप हम देख ही रहे हैं, इतना सन एक्सपोजर हो रहा है हर दिन हर दिन. और एक और चीज टीनेजर्स कुछ नई आदत लग रही है वो है मेकअप की और केमिकल्स कहाँ जाएंगे, असर तो चेहरे पे ही दिखाएंगे. तो पिंपल्स होना बहुत लाजमी बात है, टेंशन मत लीजिए. बट एक हाँ, देखिए पिंपल्स को क्योर नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे स्टेप्स ध्यान रखें. एक चीज जो है कि अपने फेस को हमेशा जो आपका फेस का टावल है वो अलग रखें अपने शरीर के टावल से, और अपने फेस का जो टावल है उसको हमेशा साफ रखें, धोते रहें टाइम टू टाइम, और अपने चेहरे को हमेशा ऐसे करके डैप करते हुए पोछे, कभी भी रगड़े ना चेहरे को. बहुत लोग क्या होते हैं चेहरे ऐसे से रगड़ते हैं, इससे क्या होता है कि अपने चेहरे में पिंपल्स हो रहे हैं, ऑनगोइंग एक्ने है, तो उसका जो सीबम है वो फट करके बाहर निकलता है और चेहरे पे और जगह पे फैल जाता है. उसके वजह से आपके चेहरे पे क्या है जो पिंपल्स हो रहे होते हैं ऑलरेडी, जो भी सीबम निकलता है वो और जगह पे लगता है और आपके पिंपल्स और ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे अब तक. पहला स्टेप जो है दैट इज डन. मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप. जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा स्क्रब करना. जो स्क्रब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है गुड वाइब्स का लिलिन एक्ने कंट्रोल स्क्रब. सो ये है स्क्रब. सो चलिए अब स्क्रब का एक सटल सा अमाउंट लेते हैं, अपने चेहरे को स्क्रब करते हैं. इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, ऐसा ये दिखता है अंदर से. इसके अंदर छोटे से बीडेड पार्टिकल्स हैं. स्क्रब के लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं पहले देना चाहती हूँ कि स्क्रब कभी भी बहुत ज्यादा ना लें, थोड़ा ही स्क्रब लें और उसको बहुत देर तक चेहरे पे मालिश ना करें. जैसे इतना दिया है मैंने, इसको अपने फिंगर्स पे लूंगी और अपने फेस पे ऐसे जेंटली लगाते हुए अपस्ट्रोक करते हुए मसाज करूंगी, बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत अपने स्किन पे हार्श ना हो, ऐसे 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 करके, ऐसा नहीं खाली निकाल के रख दे रहे, ऐसा कुछ नहीं.
हल्के से आपको उसको सर्कुलर मोशन में करना है ताकि आपकी स्किन का आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो और आपकी जो डेड स्किन है जो अपर स्किन है जो भी डेड पार्टिकल्स है वो सब निकल जाए. तो ये था सेकेंड स्टेप और ये सेकेंड स्टेप में कंप्लीट करती हूँ फिर मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेप पे. ओके गाइज, so guys as now we are done with the two step of this facial like cleansing and scrubbing. One thing I would like to mention about this scrub is that is scrub ki bahut achhi baat ye hai ki it does not leave your skin very dry, it does not leave any red patches on your skin. As I know that my skin is slightly sensitive on the side, so it does not feel like it is itchy or it is having any redness or any excess scrub. Only you need to be careful that add a little bit drop of water and then scrub with very slow motions, circulating motion, so it's gonna be very good. It's gonna nourish your skin rather than drying it. Otherwise, few scrubs are in the market which just dries up your skin. This is not as such as a very good scrub. Now moving on to the third step, that is the face pan. The face pan which I'm using is from Good Vibes. It is Good Vibes Lotus and Sage Revitalizing Face Pack. So ये है जो face pack है वो ये है. तो देखते हैं कि आपने दिखता कैसा है. Packaging इसकी Good Vibes की बहुत ही खूबसूरत है. इसकी जो खुशबू है तो कोई खास नहीं है, मिट्टी जैसे गीली मिट्टी होती है उसकी ऐसी खुशबू है. तो पता नहीं इसको चेहरे पे लगा के कैसा फील होगा, कोई बात नहीं वैसा भी होगा, बट मैं इसको यूज कर रहा हूं, यूज करने में काफी अच्छा है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू मी अप्लाई इट लिटरली ऑन टू माय फेस. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस लिटरली विद अपवर्ड स्ट्रोक ऐसे ऐसे करके मैं इसको अप्लाई करती हूं. नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेप. So guys, I have applied this face pack all over my face liberally. Now, one thing I would like to mention is that after applying this face pack on your face, you might feel a little bit of tingling sensation. Don't worry about that. This tingling sensation happens because there is a little bit of tanning on our face. So when that tanning gets removed from the upper layer of our skin, that tingling sensation is natural. Don't worry about that. So now I'm going to keep this face pack for at least 15 to 20 minutes on my face. After it dries up after 15 to 20 minutes, I'm just going to wash it thoroughly from the normal tap water. Don't go on for lukewarm water, freeze cold water, aisa kuch nahi. Normal jo nal ka pani aata hai, usse chahiye dhoye. Zyada fancy na bane ki garam pani se ya gungune pani se ya barf wale pani se, aisa kuch nahi karna hota. Simple tap water tum chahiye dhoye. So let me take this on for 15 to 20 minutes, then I'll get back to you after 15 to 20 minutes, guys. So guys, I'm done with all the various three steps of my facial cleansing, scrubbing, face pack, all is done. You can see there's so much of breakouts going on my face. My skin is really very soft. It's very clean. It's like deeply cleans. So we are done with all this step. Moving on to the last step of this whole facial, that is hydrating and moisturizing my skin. Even if you're having oily skin, don't keep this myth that you cannot moisturize your skin. You have to moisturize your skin. Even if you have oily skin, sweetheart, you cannot leave moisturizing and nourishing your skin. So the thing which I'm using is a simple watermelon gel from Good Vibes. See, watermelon gel hai iska. Watermelon hamari skin ke liye bahut hi hydrating hota hai, bahut soothing, refreshing, summer appropriate hota hai. Ye iska color hai. खुशबू भी इसकी काफ़ी अच्छी है, वाटरमेलन से मिलती जुलती है. एंड द आयरनी इज दैट वाटरमेलन इज माई फेवरेट फ्रूट. मुझे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस जेल. आई एम गोना टेक इट ऑन माई पाम. आई एम गोना अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस. आई एम गोना मसाज इट अ लिटिल बिट फॉर सम टाइम लाइक दिस ऑल ओवर माई फेस. गर्ल्स एंड गाइज, लिटरली ट्रस्ट मी, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है. शायद इस पूरी फेशियल में स्क्रब के बाद जो मेरा फेवरेट स्टेप है वो यही है कि अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना या नरिश करना या फिर एक तरीके से कहूँ कि लाइट सी मसाज देना. मसाज देने से एक तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपके जो डेड सेल्स हैं वो जो डीप क्लींस हुए होते हैं वो और अच्छे से आपके स्किन से बाहर निकल जाते हैं और नरिश होती है आपकी स्किन, डीपली नरिश होती है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो यहाँ पे मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज कर लिया है. लिटरली आई एम इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस. इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है कि आई जस्ट फील लाइक कि काश मैं इसको खा पाती, बट आई कैन नॉट ईट दिस, डेफिनेटली नॉट. सो या आई एम डन विद ऑल दिस स्टेप. यू कैन सी माई स्किन इज वेरी क्लीन, इट्स क्वाइट, इवन आई फील लाइक इट इज़ ग्लोइंग इवन अ लिटिल बिट. So I should not
टॉक अबाउट माय स्किन माय सेल्फ. आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा चेहरा कैसा लगा, आपको ये सिंपल बेसिक फेशियल रूटीन कैसा लगा टीनेजर्स के लिए और सारे एज ग्रुप के लिए. पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. कीप कमिंग बैक टू श्रेया साइड. लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे यंग, स्टे हेल्दी. लव यू ऑल गाइस, बाय बाय.